नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट में। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी और हम इस वीडियो में बात करेंगे जैविक कवकनाशी ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास क्या हैं, इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, अपने घर में ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का संवर्धन कैसे करें और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बायोपेस्टिसाइड प्रयोग करने के समय बरतनी चाहिए। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास क्या हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा कवक और 100 से ज़्यादा जीवाणु हमारे फसल को नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो कि पौधे को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास। पहले जानते हैं ये ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा एक कवक होते हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में अपना जीवन यापन करते हैं तथा बीमारी करने वाले फफूंदों को मारते हैं। ट्राइकोडर्मा को अगर सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है वो है पैथोजन रोग कारक, जिसके कारण से पौधे में बीमारी होती है, और इसको जो घेरा हुआ है ये है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा रोग कारक को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे कमजोर कर देता है और मार देता है। ट्राइकोडर्मा की अलग अलग प्रजाति बाजार में अलग अलग नाम से उपलब्ध हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, हार्ज गोल्ड, इंदिरा ट्राइकोडर्मा। अब बात करते हैं सोडोमोनास के बारे में। सोडोमोनास एक जीवाणु है, यह भी मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में अपना जीवन यापन करता है और यह विभिन्न प्रकार के रसायन का श्रावण करता है जो कि बीमारी करने वाले रोग कारक की वृद्धि को कम करते हैं एवं साथ ही साथ पौधे की बढ़वार में तेजी लाते हैं। यह भी बाजार में अलग अलग नाम से उपलब्ध हैं, जैसे कि सुडोपेप, टेगमोनास, इंदिरा सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, वो है इंदिरा ट्राइकोडर्मा और इंदिरा सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसे मैंने गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लाया था। अब हम बात करते हैं कि इनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। जैविक कवकनाशी का उपयोग बीज उपचार, थरहा उपचार, भूमि उपचार या टपकन सिंचाई द्वारा किया जा सकता है। एक एक करके सबको देखते हैं। बीज उपचार। बीज के उपचार के लिए 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जैविक कवकनाशी पाउडर को लेना चाहिए, फिर इसका पानी में घोल बना लेना चाहिए। इस पानी के घोल में पौधे के बीज या आलू के कंद या अदरक के राइजोम को डुबाकर रखना चाहिए। कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसे डुबा कर रखना चाहिए। उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक उसे छाया में सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बीज के चारों ओर जैविक कवकनाशी का एक परत चढ़ जाता है। इससे जैविक कवकनाशी बीज के साथ ही साथ मिट्टी में चले जाते हैं और बीज के जमने के साथ साथ ये जड़ और मिट्टी के चारों तरफ बढ़ने लगते हैं और आसपास उपस्थित बीमारी करने वाले फफूंदों को मारते हैं। जैविक कवकनाशी से जड़ का उपचार। जड़ के उपचार के लिए पहले जैविक कवकनाशी का घोल तैयार कर लेना है। इसके लिए 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाना चाहिए और उस सॉल्यूशन में पौधे की जड़ को डुबाकर रखना चाहिए।
कम से कम 6 से 12 घंटे तक उस घोल में डुबाकर रखना चाहिए। उसके बाद इन पौधों का रोपण खेत में किया जा सकता है। ऐसा करने से जड़ और तने में होने वाली बीमारी का दर कम हो जाता है। टपकन सिंचाई द्वारा जैविक कवकनाशी का उपयोग, इसके लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या सोडोमोनास के पाउडर को 100 लीटर पानी में घोल लेना चाहिए और इसे टपकन सिंचाई द्वारा पौधे की जड़ों में देना चाहिए। जैविक कवकनाशी से भूमि का उपचार, इस विधि द्वारा 1 किलो पाउडर से 20 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद को संवर्धित किया जा सकता है। इसके लिए पहले सूखे पत्तियों का एक चादर बिछाना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से सड़ी हुई सूखी गोबर की खाद की परत बिछानी चाहिए। ये परत 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इसके बाद जैविक कवकनाशी पाउडर को छिड़कना चाहिए। इसके ऊपर में फिर से खाद बिछाना चाहिए। इसी प्रकार से 4 से 5 लेयर बिछानी चाहिए। फिर इसे जूट की बोरी एवं सूखे पत्तों से ढक देना चाहिए। ढकने के बाद समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए, जिससे सही मात्रा में नमी बनी रहे और जैविक कवकनाशी की संख्या में वृद्धि हो। 1 से 2 महीने के बाद हमें समृद्ध खाद प्राप्त होगा और इसमें जैविक कवकनाशी बहुत संख्या में उपस्थित होंगे। इस प्रकार बने हुए समृद्ध खाद को हम खेतों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग संवर्धन में भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो प्राप्त हुआ है वो 25 से 30 किलो समृद्ध खाद है। इसका उपयोग करके और मात्रा में गोबर की खाद से समृद्ध खाद बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना है? पहले सूखे पत्ते बिछाना है, उसके ऊपर में अच्छे से सड़े हुए सूखे गोबर के खाद को बिछाना है, उसके ऊपर में थोड़ा सा समृद्ध खाद छिड़कना है, फिर से खाद, फिर समृद्ध खाद, और इस प्रकार से 6 से 7 लेयर बिछा सकते हैं। इसके बाद सूखे पत्ते और जूट की बोरी से इसे ढक देना चाहिए और समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। गोबर खाद की एक परत के बाद समृद्ध खाद को इतनी मात्रा में डालना चाहिए। संवर्धन से पहले गोबर की खाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसमें बड़े बड़े ढेले बने होते हैं। संवर्धन के बाद खाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। समृद्ध खाद बहुत ही भुरभुरी होती है और इसमें ढेले नहीं बनते हैं। अगर आप बाजार से ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का फॉर्मूलेशन लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और अगर उपयोग के बाद आपका खाद इस तरह से भुरभुरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाजार से लाए हुए पाउडर में जो सूक्ष्म जीव हैं ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, वो या तो मर चुके हैं या वो जो कंपनी है वो अच्छी क्वालिटी का सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार 3 से 4 महीने के बाद हमें समृद्ध खाद प्राप्त होगा और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसकी भी कुछ मात्रा संवर्धन के लिए बचा कर रखना चाहिए और बाकी बचे हुए समृद्ध खाद को खेत में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से आप जैविक कवकनाशी को अपने ही घर में संवर्धित कर सकते हैं और आप जितना चाहे उतना समृद्ध खाद प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं जैविक रोगनाशक का उपयोग कौन कौन सी फसलों में और किन किन बीमारियों के लिए किया जा सकता है। सोडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का उपयोग धान, चना, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, फलदार पौधे जैसे कि केला, पपीता, अमरूद, आम, नींबू वर्गीय पौधे, इसके अलावा गन्ना, मक्का, कपास, बाजरा, कुसुम, ज्वार, प्याज, भिंडी, धनिया, कद्दू, लौकी, करेला, सूर्यमुखी, पत्ता गोभी, फूल गोभी
और अदरक में इसका उपयोग कर सकते हैं। सोडोमोनास का उपयोग किसी भी जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास मुख्यतः मिट्टी से होने वाली बीमारियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, और इसका फायदा यह है कि एक बार उपयोग करने के बाद ये मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करते रहते हैं, जिससे मिट्टी से होने वाली बीमारी बहुत कम मात्रा में आती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे अपने घर में ही संवर्धित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो जैविक कवकनाशी उपयोग करते समय बरतनी चाहिए। जैविक कवकनाशी उपयोग के 5 से 7 दिन तक रासायनिक फफूंदनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूखी मिट्टी में सोडोमोनास व ट्राइकोडर्मा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास के विकास के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक होता है, इसीलिए संवर्धन के समय उपयुक्त नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक या कम नमी संवर्धन की क्रिया को धीमी कर देती है। उपचारित बीज एवं कंद को सीधे धूप में नहीं सुखाना चाहिए। संवर्धन के लिए जो गोबर की खाद उपयोग की जा रही है, वह अच्छी तरह से सड़ी होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए। समृद्ध खाद को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। समृद्ध खाद के उपयोग के बाद इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर हम इसे लंबे समय तक खुले में रखेंगे, तो इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास की संख्या में कमी आने लगती है। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का संवर्धन अलग-अलग करना चाहिए, इन्हें एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे खेत में उपयोग कर रहे हैं, तब इन दोनों को मिलाया जा सकता है और इनका उपयोग एक साथ किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, और इस तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।